अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद रज़ा कादरी, मोहम्मद जाहिद रज़ा कादरी यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम करता हूँ। मेरे प्यारे नाज़रीन, इससे पहले वाली वीडियो में आपको अल्लाह अकबर से लेकर के अशहदु अल्ला इलाहा तक अज़ान सीखने का तरीक़ा बताया था। आज इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर से लेकर के अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक अज़ान सीखने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि शुरू में आवाज़ को कम रखनी, उसके बाद दूसरी जब हम अजान देंगे तो उसमें ज़्यादा रखेंगे। जैसे कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और आगे चलते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और आगे चलते हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे नाज़रीन, अब जब भी अज़ान देने का तरीक़ा सीखें तो आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें। अल्लाहु अकबर, जैसे शुरू में अल्लाहु अकबर नहीं बोलना है बल्कि अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अगर कहेंगे तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अजान में कहेंगे। फिर से सुने, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, पहले वाली, दूसरी वाली, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे नाज़रीन, जब भी आप अज़ान दें तो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता अज़ान देने की कोशिश करें। कुछ लोग अज़ान देते हैं तो बहुत ज़्यादा खींचतान करते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग अज़ान देना सही से नहीं जा पाते हैं। इसलिए ये बहुत आसान तरीक़ा है, और आहिस्ता आहिस्ता आप जितना आहिस्ता देंगे उतना अच्छा सुनाएगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता देने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अब मश्क करें। तो मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू।